हरे कृष्णा, वेलकम टू श्रीमद् भागवतम क्लास। हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 24 में बात कर रहे हैं रुद्र की। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि भगवान शिव किस तरीके से बता रहे हैं भगवान की कृष्ण की सुंदरता के बारे में। ठीक है, आज हम उसके आगे बात करेंगे कि भगवान से आगे कैसे बताते हैं कि भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, ओके। 54वां श्लोक है, 54। भवान भक्ति मता लभ्यो दुर्लभा सर्वदेहिनाम स्वराज्यस्य स्वराज्य से भक्ति मता भक्त द्वारा लभ्य प्राप्त दुर्लभ प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन। सर्वदेहिनाम अन्य समस्त देहधारियों की जीवात्मा का स्वराज्य से स्वर्ग के राजा का अपि भी अभिमता अंतिम लक्ष्य एकांतेन तादात्म्य के द्वारा आत्मविद स्वरूप का गति ही गंतव्य। हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। इसी प्रकार जो अपने को आपसे अभिन्न मानते हैं हम ब्रह्मास्मि, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही हैं। कौन कह रहा है? शिव। किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। ब्रह्म संहिता में आया है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। इससे सूचित होता है कि वैदिक साहित्य या वेदांत दर्शन के अध्ययन मात्र से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाना और परम गंतव्य वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन तक पहुंच पाना कठिन है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। ठीक है, जो लोग दूसरा विधि से जाएंगे, ठीक है, वेदांत दर्शन के माध्यम से अध्ययन मात्र से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना और परम गंतव्य वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन तक जाना आसान बात नहीं है। लेकिन वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त, तो लेकिन भक्तों को यह सर्वसिद्धि अवस्था सहज ही प्राप्त है, आसानी से मिल जाती है। ब्रह्म संहिता के पद का यही अर्थ है। तो शिव जी ने भी इस श्लोक में यही बात कही है। कर्मयोगियों, ज्ञान योगियों तथा ध्यान योगियों के लिए भगवान को पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो भक्ति योगी है उनके लिए ये काम रंच मात्र भी दुष्कर नहीं है। ठीक है, राज्य से स्वराज्य शब्द में स्वर से स्वर्गलोक और स्वराज्य से स्वर्गलोक के राजा इंद्र का बोध होता है। सामान्यतः सभी कर्मी स्वर्ग जाना चाहते हैं, किंतु स्वयं स्वर्ग का राजा इंद्र चाहता है कि भक्ति योग में निष्णात बने। सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग का राजा भक्ति करना चाहते हैं। जो लोग अपने आप को आम ब्रह्मास्मि कहते हैं वे वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन पहुंचकर पूर्ण मोक्ष चाहते हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, भक्ति हमारा भी जाना थी या अपने अश्चास्य तत्वता तो माम तत्व तो क्या तो अभिष्टे तदंतर। भगवान को यथा रूप में केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति से भगवान की पूर्ण चेतना में स्थित होता है तो वह ईश्वर के धाम में प्रवेश कर सकता है। कब जाएंगे? जब भगवान की भक्ति पूर्ण चेतना से करेंगे, अतः तब हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। अतः स्वर्ग में जाने के इच्छुक व्यक्ति को भक्ति के द्वारा भगवान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। मात्र भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य भगवान को वास्तव में समझ सकता है, किंतु भक्ति योग समझे बगैर मनुष्य दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भले ही स्वर्ग लोक को प्राप्त बोले या अपने को ब्रह्म समझ ले आम ब्रह्मा, किंतु यह साक्षात्कार की स्थिति नहीं है। मनुष्य को पहले भक्ति योग द्वारा भगवान की स्थिति को समझना चाहिए, तभी उसे जीवन की वास्तविक स्थिति प्राप्त हो सके। तम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछित पाद मूलम के नाम है। तम उसको तुमको दुराराध्यम पूजा करना अत्यंत कठिन, आराध्य पूजा करके सताम अपि सत्य भी दुरापया प्राप्त कर पाना दूसरे एकांत भक्त्या भक्त से कहा। ऐसी कौन है वांछे चाहेगा पाद पूर्ण चरण पंक्ति बिना रहे रही बाहरी लोग। ठीक है, तो 54वें
भगवान भक्ति मता लभ्यो, ठीक है, दुर्लभम सर्वदेहिनम, सिर्फ भक्ति योग से आपको प्राप्त किया जा सकता है। 55वें श्लोक बता रहे हैं, ठीक है, कि जो काल है वो भक्तों का, जो भक्ति है वो कोई ऐसे नहीं कि सबको मिल जाए, थोड़ा दुर्लभ है। हे भगवान, हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए कठिन है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्ति सबको समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है, शुद्ध भक्ति सबको समझ में नहीं आती है। तो हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप हैं कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा। ठीक है, जो भक्ति करने वाले हैं वो बड़े बड़े लोगों के लिए भी भक्ति कर पाना कठिन है, किंतु आप जो है सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो सताम शब्द अध्यात्मवादियों से आया है। अध्यात्मवादी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, योगी, इन तीनों में से भगवान के पास पहुंचने वाला सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिभागी केवल भक्त है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि जो भक्ति नहीं करते वे भगवान के चरण कमल नहीं करते। कभी कभी लोग यह मानते हैं कि ईश्वर किसी भी तरह से कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है, कोई सभी योग करो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा लोग मानते हैं। किंतु यहाँ पर ये अभिमत इस पर रहते कि केवल भक्ति योग से भगवत कृपा कर, कोई भी योग करने से भगवान नहीं मिलेंगे, सिर्फ भक्ति योग करने से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर दुराराध्य शब्द विशेष प्रयोग नहीं है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी चीज से भगवान के चरण कमल प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है, आसान काम नहीं है। यत् निर्विष्ट मरणम कृतान्त तो नाभिमन्ते विश्वम विध्वंसन वीर्य शौर्य विस्फूर्जित ध्रुवा। यत्र जहां निर्विष्टम अरणम शरणागत प्राणी कृत अंता दुर्लभ काल ना भी मन्यते आक्रमण नहीं करता विश्वम ब्रह्मांडित्व संयन संगागर वीर पराक्रम शौर्य प्रभाव विस्फुटित मात्र विस्तार से दुगा भवों उनके भ्रकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल तक्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, वही दुर्जय काल आपको चरण कमलों की शरण में आए गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता। वो काल जो बस थोड़ा सा भगवान के सारे पे सारा प्रलय ला सकता है, वही काल जो भगवान की शरण में गया हुआ भक्त है उसके पास भी नहीं पहुंच सकता, यानी कि मृत्यु या काल भगवान के भक्त को छू भी नहीं सकती। 56वां श्लोक 56 भगवद गीता में कहा गया है कि मृत्यु रूप में भगवान मनुष्य के सारे वैभव को भस्म कर देते हैं। मृत्यु सर्वर हरस चाहम, मैं सबको निगलने वाला काल हूँ, मृत्यु के रूप में मैं सबका सब चीजें हरण कर लेता हूँ। भगवान मृत्यु के रूप में बद्धजीव द्वारा बनाई गई सारी वस्तुएं छीन लेते हैं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु काल के साथ विनष्ट होती है, किंतु काल अपनी सारी शक्ति के होते हुए भी भक्त के कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि भक्त को भगवान के चरण कमलों का आश्रय जो प्राप्त है। जिसने भगवान के चरण कमलों का पूरा आश्रय लिया है उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी कारण भक्त दुर्जय काल से हैं। जिन कर्मियों तथा ज्ञानियों का भक्ति से कोई वास्ता नहीं है उनके सारे कार्य कलाप काल के द्वारा नष्ट कर दिया। जो लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, कर्मी ज्ञानी लोग, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, काल के साथ उनका सब प्रयास नष्ट हो जाएगा, है ना। मृत्यु के बाद थोड़ी ना कुछ बदलेगा, मृत्यु के बाद सिर्फ भक्ति हमारे साथ जाएगी। कर्मियों की भौतिक उन्नति को विनष्ट होना ही है, ज्ञानी द्वारा निर्गुण साक्षात्कार के साथ नष्ट हो जाता है। चाहे जितना आदमी घर गाड़ी बंगला बना ले वो मृत्यु के साथ सब छूट जाएगा। इस तरह ज्ञानियों का निर्गुण साक्षात्कार भी समय के साथ विनष्ट हो जाता है। आरुह प्रच्छेण परम पदम पतंती अधोनाद्रितुष्मिया, कर्मियों की तो छोड़िए, ज्ञानी तो निर्गुण ब्रह्म ज्योति प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, किंतु उन्हें भगवान के चरण कमल प्राप्त पुनः संसार में आ गिरते हैं। तब तक मोक्ष की कोई गारंटी नहीं रहती, भले उसे स्वर्ग लोक या निर्गुण ब्रह्म ज्योति में ही पुनः प्राप्त हो,
किंतु भक्त की उपलब्धि काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होती। यदि भक्त ठीक से भक्ति नहीं कर पाता तो अगले जन्म में फिर से वहीं से साधना प्रारंभ करता है जहाँ से छूट गई थी। इसको बताया गया कि अगर कहीं से किसी व्यवस्था के कारण भक्ति छूट भी जाती है तो अगले जन्म में किसी भक्त के घर में जन्म देगी और आगे भक्ति भक्ति कंटिन्यू करेगा। किंतु कर्मियों तथा ज्ञानियों को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है क्योंकि उनकी उपलब्धियां विनष्ट हो जाती है। भक्ति की उपलब्धि कभी विनष्ट नहीं होती, निरंतर बनी रहती है। ये वैदिक शास्त्र का मत है। सुचिनाम श्रीमताम के है योग भ्रष्ट हो जाते। यदि मनुष्य भक्ति को पूरा नहीं कर पाता तो उसे अगले जन्म में शुद्ध भक्ति परिवार में या धनी परिवार में जन्म लेकर उसे पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में उसे भक्ति में और आगे प्रगति करने का अच्छा अवसर मिल पाता। पृथ्वी का अधीक्षक यमराज जब अपने गणों को आदेश दे रहा था तो उसने भक्तों के पास ना जाने को कह दिया। यमराज ने अपने दूतों से कहा है यमदूतों से कि कृष्ण भक्तों के पास नहीं जाना है। उसका कहना था भक्तों का सम्मान करो किंतु उनके निकट मत जाओ। इस प्रकार भगवत भक्त यमराज के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। जो कृष्ण के भक्त हैं वो यमराज के ज्यूरिडिक्शन से बाहर हैं, यमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यमराज भगवान का प्रतिनिधि है और प्रत्येक जीव की मृत्यु को नियंत्रित करता है तो भी उसे भक्तों से कुछ लेना देना नहीं होता। वह काल जो पलक मारने की अवधि में समस्त जगत श्रृंगार कर सकता है किंतु उसे भक्तों से कोई सरकार नहीं होता है। दूसरे शब्दों में भक्त अपने जीवन काल में जितनी भक्ति करता है वह काल द्वारा नष्ट नहीं हो सकता। काल के प्रभाव से परे होने के कारण या बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यमराज ने कहा है भगवान कृष्ण का भक्त है, उसके पास आपको नहीं जाना है। बस यमराज के अधिकार क्षेत्र में कृष्ण के भक्त नहीं आते। ठीक है, तो यमराज भगवान का प्रतिनिधि है और प्रत्येक जीव के प्रतिनिधि को नियुक्त करता है लेकिन तो भक्तों से लेना देना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 56 में बताया गया है कि वो के चक्कर से ऊपर रहता है। क्षणार्थे नापि तुल्ये न स्वर्गम पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उताश्चः। क्षणार्थे ने आधा क्षण के भी तुल्य होता कर सकता ना कभी स्वर्गम पर ना तो अपना अभवम ब्रह्म से तादात भगवता भगवान के संगी संगी संगस्य कलावकला मर्त्यानां वहां क्या है आशीषा आशीर्वाद। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्ति की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तने की आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखाई क्या है जो जीवन मृत्यु के नियमों के अधीन है। ठीक है, तो इस श्लोक में 57 में भगवान के भक्तों का संग का महत्व बताया। क्षण अर्जेन आधा क्षण अभी अपना भगवान ब्रह्म से तादा भगवता भगवान के संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्ति संगति पा जाता है संयोग से ऐसे ही मिल गया तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों ने उसके लिए रखा ही क्या है जीवन देवी देवताओं से मान के क्या मिलेगा वो स्वयं जीवन में। ठीक है, तो यहाँ कर्मियों ज्ञानियों तथा भक्तों में एक भक्त को सबसे बताया गया है श्री दुर्बोधन सरस्वती का गीत कैवल्यम नरकाय थे प्रकाश पाए थे चैतन्य चंद्राम। कैवल्य का अर्थ है भगवान के तेज में लीन होना और देवताओं के निवास स्वर्ग लोगों का द्योतक है। इस प्रकार भक्त के लिए केवल सुख नरक के समान है क्योंकि भक्त अपने व्यक्तित्व को खोज कर ब्रह्म तेज मिलने को आत्मघात मानता है। भक्त सदैव अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहता है जिससे भगवान की सेवा कर सके।
दरअसल वह स्वर्ग जाने को मायाजाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता। भक्त के लिए क्षणिक सुख कोई अर्थ नहीं रखता। वह इतने उच्च पद पर रहता है कि उसे कर्म या ज्ञान के कर्म कोई रुचि नहीं रहती। आध्यात्मिक पद पर स्थित भक्त के लिए कर्म या ज्ञान के फल तुच्छ हैं। भक्ति योगी भक्त को सारा सुख प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, ये आत्मा सुख सिद्ध। मनुष्य केवल भक्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकता है और यह भक्ति संगति से संभव है। शुद्ध भक्त से आशीर्वाद पाए बिना कोई ना संतुष्ट हो सकता है, ना भगवान की समझ सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि छोटा सा क्षण, एक क्षण के बराबर, एक सेकंड के लिए भी अगर शुद्ध भक्तों के संगत मिल जाए तो व्यक्ति को स्वर्ग से भी ऊंची चीज मिल जाती है। ठीक है, स्वर्ग और तो सब टेम्परेरी है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे भगवान के भक्तों के संग का महत्व बताया गया कि भगवान के भक्तों के संग रहने से क्या फायदा है। ठीक है, ये आत्मा सुख सिद्धि, सारा सुख जो है प्राप्त करने वाला भक्ति योग में, भक्ति योग ही भक्त को सारा सुख प्रदान कर सकता है। ये आत्मा सुख सिद्धि, लेकिन मनुष्य को केवल भक्ति कैसे पूर्ण रूप से, मनुष्य केवल संतुष्ट अगर रहना है तो भक्ति से ही संतुष्ट रह सकता है, पूर्ण रूप से भक्ति करे। ठीक है, और भक्तों की संगत में रहे, क्योंकि जब तक शुद्ध भक्त का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक कोई व्यक्ति ना संतुष्ट हो सकता है, ना भगवान की दृष्टि को समझ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो जो इस तरीके से भगवान से करे प्रार्थना करेगा उसको भक्तों की संगत मिलेगा। ठीक है, अथान गंग्रे स्तव कीर्ति तीर्थयोरंतर बहिस्नान विदूत पापनाम भूते स्वनु सुत त्वशीलिनाम स्यात् संगमोनुग्रहे सनस्तव। अथा अथा अनगंग्रे, भगवान के जिन चरण का, जिन चरण, जिनके चरण समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, तब तुम्हारी आकृति की तीर्थ अंता भीतर वही पाप नाश ना मन की दूषित अवस्था भूते सामान्य जीवों को अनुप्रोश कृपाया वर्षु तत्व आप पूर्णतः स्तो करने शीले नाम ऐसे गुणों पालो का स्याह पूर्णतम साथ समागम अनुग्रह कृपा ऐसा यह नाम पूर्णतव हमारी आप। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण है और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद। ठीक है, कि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया संतुष्ट हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं शिव जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण भक्तों की संगति चाहिए। ठीक है, सब लोग अल्टीमेटली घूम करके एक ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे भक्तों की संगति में रहना है। देखो, तो आपने ध्रुव महाराज की कथा सुनी, आगे प्रहलाद महाराज की है और पृथु महाराज के कथा में भी आपने यही सुना। सब लोग यही कहते हैं कि हमें आप क्या कृपा करो कि भगवान आपके भक्तों के संग होके भक्तों की संगति में रखो। तो यहीं पे शिव जी भी कह रहे हैं, ठीक है, कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे भक्त पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं। तो मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा करने। ठीक है, तो शिव जी की क्या प्रार्थना है? भक्तों की संगति के लिए सबकी प्रार्थना यही है। क्यों? क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है भक्तों की संगति। अच्छे भक्तों की संगति में रहेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। सीधी बात, संगति बहुत ही जरूरी है। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो भक्ति में बहुत मुश्किल है आगे। तो
तात्पर्य में कह रहे हैं कि गंगा जल सभी प्रकार के पापों के फलों का निवारण करने वाला माना जाता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के पाप यानी कलमश धुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो श्लोक शब्द आ रहा है, अत अनग अंग्रे तब कीर्ति तीर्थयो गंतर बहिर् स्नान विभूत पाप नाम भूते स्वयं क्रोशील नाम मेरे ऊपर क्या कृपा करो आप, ये मैं आपके भक्तों की संगत करता हूँ। ठीक है, तो गंगा जल की महिमा ये है कि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकलती हैं। इसी प्रकार जो प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमल के संपर्क रहते हैं और जो उनके गुणों का गायन करते हैं वे सारे भौतिक कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्ति सामान्य भक्त जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्री वृंदावन ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर का गीत है भगवान चेतन के तो यहाँ पे ये बात आ रही कि देखिए गंगा जी में तो आपको स्नान करना पड़ेगा तो आप पवित्र हो जाते हैं, लेकिन भक्त भी जो है दूसरों को शुद्ध कर सकता है। कैसे? क्योंकि गंगा जी कैसे, गंगा जी में ये पावर कैसे है, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरण से निकले हैं, इस पे गंगा जी के चरणों में ये, तो गंगा जी भगवान चरण से निकले तो उनमें ये पावर ये शक्ति है कि दूसरों को शुद्ध कर दे। इस तरीके से भगवान के भक्तों के भगवान के चरण कमलों से जो कनेक्ट रहता है उसमें ये पावर होती है कि वो दूसरों को शुद्ध कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कैसे हैं, समस्त कल्याण के कारण है, समस्त पापों के कलमशों को विनष्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भक्त भगवान के चरण कमलों का गुणगान करता रहता है, इस तरीके से भक्त भगवान के चरण कमलों के गुणगान के माध्यम से भगवान के चरण कमलों से जुड़ा रहता है हमेशा। इसलिए जो कि भक्त भी से, इसलिए वो भक्त जो है वो भी दूसरों को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। श्री वृंदावन सागर का गीत है कि भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड को बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दूसरे शब्दों में भक्तों का कार्य है कि वे भगवान की महिमा को उपदेश करें और सही बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व तक शुद्ध सत्व फल तक पहुंचाएं। यहाँ पर शुद्ध सत्व शब्द का अर्थ है शुद्ध सत्व जो भौतिक सत्व से आगे की दिव्य अवस्था है। शिव जी अपनी विशिष्ट स्तुति के द्वारा हमें ये शिक्षा देते हैं, सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्तों की शरण में जाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से 54 में बताया कि भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भक्ति। 55 में बताया कि भक्ति ऐसे ही सबको नहीं मिल जाती, बहुत दयालु है। 56 में बताया कि जो भक्ति करता है, जो भक्त है वो काल के प्रभाव से बच जाता है। 57 में बताया कि भगवान के भक्ति करने में भक्तों के संग का कितना महत्व है, भक्तों भक्तों की संगति की पावर क्या है। 58 में बताया कि भगवान की असली कृपा अगर हमारे पर ये है तो वो क्या है कि हमें भगवान ने भक्तों की संगति में रखा। भगवान ने हमको भक्तों की संगति दी है, एक तो भक्त हमारे जीवन में भेजे हैं, कुछ भक्त हैं हमारे दोस्त हैं, कुछ भक्त हमसे पूछते हैं कि हमने माला किया कि नहीं किया, हमने किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हम साधना करते हैं कि नहीं करते हैं, हमने प्रसाद पाया कि नहीं पाया। तो ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा हमारे पर ऑलरेडी हो चुकी है, भक्तों को भगवान ने हमारे जीवन में भेज दिया है। अब और कृपा क्या चाहिए, हम रोज जाते थे भगवान हमारे को कृपा करो, भगवान हमारे को कृपा करो, तो भगवान ने हमारे को कृपा कर दी। क्या कर दी कृपा, हमारे जीवन में भक्त भेज दिए। अगर हमारे जीवन में भक्त आ गए हैं जिसमें अल्लाह भगवान की कृपा हमारे पर ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ये इस कृपा को सभी लोग मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, शिव जी मांग रहे हैं, सभी लोग रूप प्रहलाद की किसी चीज को मांग रहे हैं, किस चीज को, भक्तों की संगति दो। और भगवान ने हमारे जीवन में ऑलरेडी भक्तों को भेज दिया है, इसका मतलब है भगवान की कृपा हमारे ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अब थोड़ा ये बता देंगे कि भक्त आए तो हैं हमारे जीवन में, भक्त हैं, भक्तों हमारे भक्तों की संगति में हम हैं, लेकिन जो है भक्त का लक्षण क्या है ये भी पता होना चाहिए ना, भक्त होता कैसे, इसको भी थोड़ा वो बता देंगे 59 श्लोक में। ठीक है, ना यस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम तमो गुहायां च विशुद्धम आविशत यद भक्ति योगानुग्रहीतम अंजसा
पुनर्विचष्टे नृतत्र ते गति ना कवि ने यस जिसका चित्तम हृदय बही बाहरी अर्थ रुचि विभ्रम मोहे तम अंधकार गुहायाम कूप गुफा में चा भी विशुद्धम आविशत प्रवेश किया यत जो भक्तियो भक्तियो अनुग्रही की कृपा प्राप्त अंजसा प्रसन्नता पूर्वक मुनि विचारवान विचस्ते देखता है ननु कृपि तत्र मां ते तुम्हारे गेत गदिम कार्य करा। आगे शिव जी कह रहे हैं कि जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है, ठीक है, तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम यश स्वरूप कार्य इत्यादि को उसको सब समझ में आ जाता है, ठीक है, जिस पर जो भक्ति योग पवित्र हो चुका है, भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी माया में नहीं, ठीक है, और भगवान के नाम या स्वरूप कार्य इत्यादि को आसानी से प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। भगवद गीता श्रीमद भागवतम में कहा गया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है भक्तों की संपत्ति के बारे में, सताम प्रसंगान मम वीर संपिदो भवन्ति हितकर्ण तो शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भगवान के दिव्य नाम यश गुण तथा कार्य समझ में आ जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा है, साधु संग साधु सरंग सर्व शास्त्र कोए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। केवल शुद्ध भक्ति संगति करने से ही मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर होता है। कैसे? केवल शुद्ध भक्ति संगति करेंगे तभी वो कृष्ण चेतना में आगे बढ़ेगा। साधु संघ का अर्थ हरे कृष्ण करते हुए कृष्ण चेतना में लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, इसके लिए चेतना अपने कीर्तन पर बल दिया है। छेतो दर्पण मार्जनम, श्री कृष्ण के नाम जब से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्त को बाह्य पापों में अरुचि होने लगती है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, कथा सुनते हैं, हमें भौतिक चीजों में अरुचि आ जाती है, मन टेस्ट हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है और एक आने पर खत्म हो जाता है। जब मनुष्य भगवान की माया के वश में रहता है तो हृदय अशुद्ध रहता है, और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता तो उसे ये नहीं दिखता कि वस्तु भगवान से किस प्रकार संबंधित है। इदम ये विश्व भगवान दिवे तरह भगवत, जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए सारा दृश्य जगत भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु जिसका हृदय गंदा है, जिसके हृदय दूषित है, उसे वस्तुएं दूषित है, ठीक है, जैसा हमारा दर्पण वैसा हमें दिखेगा। अतः सत्संग से ही मनुष्य का हृदय पूरी तरह से शुद्ध, ठीक है, तो इसके साधु संग करना चाहिए। तो जिसका हृदय शुद्ध होता है वह कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति के पर अधिकार जताने के लिए आकर्षित करती है। जब भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा भक्ति करता है तो उसका शुद्ध हृदय विचलित नहीं होता। भक्ति करने की कुल 9 विधियां हैं। शुद्ध मन वाला व्यक्ति भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति योग में महामंत्र का जप करते हुए 10 अपराधों से तथा श्री विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। जब भक्त इन समस्त विधि विधानों का पालन करता है तो भक्ति देवी प्रसन्न होती है और तब वह किसी बाहरी वस्तु से विचलित नहीं होता। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचारवान। भक्त उतना ही विचारवान होता है जितना कि अभक्त कल्पनाशील। अभक्त की कल्पना विशुद्ध रहती है, भक्त के विचार शुद्ध रहते हैं। कपिल तथा शुद्ध गोस्वामी भी मुनि कहलाते हैं। व्यासदेव को महामुनि कहा जाता है। भक्तों को तभी मुनि कहते हैं जब वह भगवान को शुद्धता पूर्वक समझ सके। मुनि का मतलब यही नहीं है कि हमेशा शांत है, मुनि का मतलब है भक्तों को भगवान को समझ सके, ठीक है। भक्त को तभी मुनि कहते हैं जब भगवान को श्रद्धा पूर्वक समझ सके। तो निष्कर्ष ये निकला कि जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से
तथा भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचने में शुद्ध हो जाता है। कब? जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से तथा भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचने में शुद्ध हो जाता है तो भगवान अपना दिव्य नाम रूप तथा कार्य कलाप प्रकट करते हैं। कब होगा ये भगवान का दिव्य नाम रूप तथा कार्य कलाप हमारे सामने प्रकट? जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम अपराध नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बताया गया कि जो डिवोटी होता है वो कभी भी जो है डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, इसका विचलित नहीं होगा कि इधर ये कह दिया उधर वो कह दिया। ठीक है, हमेशा साधु संघ में रहते हुए भगवान की भक्ति में वो अग्रसर रहता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला सेक्शन कंप्लीट होता है 59 तक, और फिर 60 श्लोक से हम जो है भगवान और भौतिक प्रकृति के बारे में जो संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आपने रुद्र गीत में पहले सेक्शन में प्रार्थनाएं देखा, थोड़ा फिलॉसफी था, फिर तो भगवान के रूप, भक्तों के बारे में, भक्ति के बारे में सुना। अब जो अगला सेक्शन है वो भी थोड़ा माया और भगवान के विराट रूप ये सब के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कल करेंगे। कल ये अध्याय रुद्र गीत वाला पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा। निरंतराश्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आज समय भी ज्यादा है, आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। ओके, कोई प्रश्न नहीं तो हम लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कल हम जो है रुद्र गीत का आगे का सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें भगवान और प्रकृति के संबंध के बारे में हमें रुद्र भगवान शिव से समझने को मिलेगा। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।